माननीय न्यायालय के हर आदेश की जो है वो अनुपालना होगी, और अभी तीनों राज्यों के होम सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, डीजी पुलिस की पंजाब राजभवन में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं किस तरह से कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। इसमें एक सबसे अहम जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि तीनों राज्यों में जो इंटरनेट सेवाएं हैं, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं हैं और डेटा सर्विसेज हैं, वो तुरंत प्रभाव से वो बंद की जाएंगी और ये 72 आवर्स के लिए जो है ये बंद की जाएंगी। तो इसके लिए आज हाँ तीनों में, पंजाब में भी, हरियाणा में भी और चंडीगढ़ में इंटरनेट सेवाओं को, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को और डेटा सर्विसेज को बंद करने का 72 आवर्स के लिए निर्णय लिया गया है और उसके लिए शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सर, जो 144 है उसके लिए फिर भी इतने देरावत आ रहे हैं, उस पर क्यों वायलेशन हो रही है 144, क्योंकि पंचकुला में है? देखिए, पंचकुला में जो सेक्शन 144 जो लगाया गया था वो वेपन्स को कैरी करने के बारे में लगाया गया था, लेकिन अब जो है जो आदेश हैं वो ये है कि कहीं पर लोग इकट्ठे ना हों, तो उसके लिए जहाँ जहाँ सेक्टर्स में लोग बैठे हुए थे उनको वहाँ से हटा के और एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर उनको शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन ये इंश्योर करने के लिए कि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था भंग ना हो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो 18 कंपनियां हैं आज शाम तक पहुंच जाएंगी, और उसके अलावा हरियाणा की भी जो अपनी पुलिस फोर्स है, एडिशनल पुलिस फोर्स, वो भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो अतिरिक्त पुलिस बल आने के बाद जहाँ जहाँ पे जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेंसिटिव हैं उनमें एडिशनल डिप्लॉयमेंट होगा। सर, कोई इनपुट आई है कोई इंटेलिजेंस की कि जिस तरह से सेल्फ इमोलेशन की बातें आ रही हैं कि डेरा प्रेमी कर रहे हैं, यदि फैसला खिलाफ आता तो सेल्फ इमोलेट कर सकते हैं? देखिए, जो भी इंटेलिजेंस के इनपुट आ रहे हैं उन इनपुट्स के आधार के ऊपर कंसर्न जो क्वार्टर्स हैं कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिस तरह से भारी मात्रा में पंचकुला के कोर्ट के आसपास डेरा समर्थक जमा हो गए हैं, आपने वन का खाली कराया इस जगह का, तो उसका क्या मायना रह जाता है? देखिए, आपको मैंने बताया ना कि 144 जो है वो केवल वेपन्स को कैरी करने के बारे में लगाई गई थी, लेकिन अब कोर्ट कंपाउंड और जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे एडिशनल पुलिस फोर्स डिप्लॉय करके और वहाँ से उन लोगों को हटा के और कहीं दूर शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन सर, ये कभी भी नहीं कहा गया कि सिर्फ हथियार कैरी करने के लिए 144 लगाई गई। जी नहीं, ऑर्डर जो है, जो अभी तक धारा 144 के जो ऑर्डर थे वो बेसिकली वेपन्स के बारे में ही ऑर्डर थे।